दिनों पहले लॉन्च की थी कि उसकी वो खुल जाएगी। अब उसके बाद में उसमें जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जितने भी अपडेट्स होंगे, कार्यक्रमों के होंगे, पदाधिकारियों के नाम पते होंगे, एसीसी के बारे में कोई जानकारी होगी, तो वो सारी की सारी आपको आपके घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। आपको केवल मात्र आपके इस आइडेंटिटी कार्ड को स्कैन करने मात्र से मिल जाएगी। हम लोगों को केसीसी और एसीसी को जो दिए गए हैं उसको स्कैन करने से एसीसी की वेबसाइट खुलती है और आपको जो कार्ड दिया गया है उससे आपकी ये वेबसाइट प्रदेश कांग्रेस कमेटी की खुले। और जो जो भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया अच्छे कार्यक्रम करेगा उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मेल से या व्हाट्सएप से भेजेगा तो हम बराबर उनमें से सेलेक्ट करके, सबको तो नहीं है लेकिन कुछ कार्यक्रमों को जो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा उसको भी हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट के ऊपर हम लोग डालेंगे जिससे और लोग भी देख सकें और उससे प्रेरणा ले सकें। ये आप सबको पता है कि चुनाव दिसंबर में आ गए हैं, एक डेढ़ महीने बाद में कभी भी सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में हमारी आचार संहिता लग सकती है। इन सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक जब भी चुनाव हो, इस पांच महीने का आपका जो समय है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपसे पूरी तरीके से पार्टी के लिए समर्पित चाहती है, आपका पूरी तरीके से समर्पण चाहती है, ये इसका मुख्य एजेंडा। अभी एआईसीसी में हमारे 28-29 जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी सबकी मीटिंग हुई जिसमें जो मंच पे बैठे हैं वो तो सब थे ही थे, बाकी मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे और बाकी मंत्री काफी और पदाधिकारी थे। राहुल जी और खड़गे साहब ने बहुत ही साफ और स्पष्ट कहा है कि हमको तत्काल लोगों के बीच में जाना है और हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसका जनता को लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की है और हम आपके मिलाव के ऊपर ये विश्वास दिला के आए हैं खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को और आला कमान को कि हम एक दिन भी फुर्सत नहीं लेंगे, एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे, हम तमाम लोग काम करेंगे और कर करके दोबारा 2023 में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। अब इसके लिए आज की जो कार्यशाला उसमें हम आपके भी विचार लेंगे बट आपको क्या करना है ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान हैं जो गण बड़े हैं वो अपनी कार्यकारिणी जिन्होंने बुला बढ़ा ली है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाई है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बना करके आरपीसीसी में भेज दें और जिस दिन आप भेजेंगे उसके नेक्स्ट डे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपकी ब्लॉक की कार्यकारिणी जारी कर देगी। मैं इस विषय में नहीं जाता कि किसने बनाई किसने नहीं बनाई, जितनी बनाई अच्छी बात है, बहुत सी बन गई, थोड़ी बहुत जो रही है उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा प्रमुख काम है कि हमको आज घर पे जाते ही पहला काम करना है कि तमाम वहां के जो लीडर हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं चाहे वो एमएलए हैं एक्सएमएलए हैं या जिलाध्यक्ष हैं उनसे सबसे विचार विमर्श करके आपको ब्लॉक की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से बनानी है, ये पहला काम है जो हमको यहाँ से जाने के बाद में करना है। दूसरा जो काम हमको करना है कि आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो लोग मंडल अध्यक्ष हमारे विधानसभा में 11-11 बने, किसी के ब्लॉक में 5 है किसी के में 6 है, तो उन ब्लॉक अध्यक्षों का बन गया 99% बन गए, फिर भी नहीं बने तो उनको बनाना है और उनके साथ में 31-31 आदमियों की कार्यकारिणी आपको इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर बनानी है। ब्लॉक की कार्यकारिणी 51 की होगी, अध्यक्ष सहित 50 की होगी और मंडल की कार्यकारिणी ब्लॉक मंडल अध्यक्ष के साथ में 30 की होगी। उसमें जो हमारा जो था चिंतन शिविर उसमें जो फैसला लिया और एआईसीसी अधिवेशन में जो फैसला लिया कि हमको 50% युवाओं को भागीदारी देनी है, 50 साल से कम उम्र के लोगों को, 50% आप 50 साल से उम्र से ज्यादा को दे सकते हैं।
और जो एबीसी एससी एसटी और महिलाओं का जो रेशियो है वो 50% का जो हमारा नियम है उसको हमको 101% फॉलो करना है। ये दो चीज आपको बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी पदाधिकारी है तो वो सेम पोस्ट पे है तो उसको आप अच्छा काम कर रहा है अपग्रेड कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं या फिर डीसीसी के लिए आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको डीसीसी में लिया जाए। ये पहले ब्लॉक में बहुत अच्छा काम कर रहा था, ब्लॉक अध्यक्ष था, लेकिन इसको जिले में करना है तो ये संरचना आपको बनाने की आवश्यकता। एक हमने सर्कुलर दिया, आप सबको पता होगा कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमको बनाने हैं, उसमें तो हमारी आइडियोलॉजी का सरपंच है, उसको आप ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं या उसके फिगर भी बना सकते हैं, या आपके पूरी तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान पे निर्भर है कि आपको ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाना है और उसके साथ 20 लोगों की कार्यकारिणी आपको बनानी है। ये काम आपको इन्हीं 5-10 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। चौथी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने एआईसीसी में प्रदेश साहब को, राहुल गांधी जी को और सबको रिक्वेस्ट किया है कि